तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैंने जितनी भी जॉब की है ना उसकी जॉब सीरीज। तो हर एक एपिसोड में उस जॉब की डिटेल्स आएगी, उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या थी, मैंने अप्लाई कैसे किया, उस जॉब की अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, उस जॉब में मेरे को कितनी सैलरी मिलती थी, ताकि अगर आप अभी इंडिया में हो या कोई भी कंट्री में हो और वहाँ से आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया आ जाए कि किस किस टाइप की जॉब आप जर्मनी में मिल सकती है और उस जॉब में आपको करना क्या होता है और उसमें आप कितना कमा सकते हो। और या तो अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हो तो आप, तो मैं जिस तरीके से सिखाने वाला हूँ उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हो और उसमें अप्लाई कर सकते हो और मे बी आपको जॉब वो मिल भी जाएगी। तो इस जॉब सीरीज का पर्पज़ यही है कि आपको अगर आप जर्मनी में नहीं आए तो आपको सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाए, या तो अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में आ चुके हो तो आप मैं जो इन्फॉर्मेशन दूँ उससे आपको जॉब मिल सके, आपको या आपके फ्रेंड्स को। तो अगर आपका कोई फ्रेंड अभी प्लान कर रहा है जर्मनी में आने का या तो ऑलरेडी जर्मनी में है तो उसको ये वीडियोस भेजना स्टार्ट कर देना जिस हिसाब से ये आएंगे फ्यूचर में, तो वो लड़का या लड़की इस जॉब के जॉब का बेनिफिट ले सकते हैं और उस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मैं सुन रहा हूँ कि उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है सब स्टूडेंट को। तो अगर इस सीरीज से किसी एक स्टूडेंट की भी हेल्प होगी तो मेरे लिए इनफ होगा। तो इस वीडियो को उन दोस्तों के जरूर शेयर करना जो अभी जर्मनी में है और या तो आने वाले हैं। तो चलो इसी बात पे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि मैंने 2 वीक पहले ही एक 1-on-1 कंसल्टेशन लेना स्टार्ट किया है उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको 1-on-1 गाइडेंस की जरूरत है रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडींग इन जर्मनी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है और जो आपको कहीं से सोल्व नहीं हो रहा है और आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो वो सोचते हुए मैंने ये 1-on-1 कंसल्टेशन का प्लान किया है जिसमें मैं हर एक संडे को 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट लेता हूँ जिसमें आप अपना डाउट सोल्व कर सकते हो मेरे साथ बात करके, ताकि आप वो सब मिस्टेक्स ना करो जो मैंने ऑलरेडी की है ना। तो उस हाफ आवर में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो जल्द से जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो 28 सितंबर को मैं जर्मनी में आया, पूरा देन अक्टूबर आता है तो पूरा अक्टूबर मेरा डॉक्यूमेंटेशन में निकल गया, जो डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी है जॉब लेने के लिए, है ना। पूरा अक्टूबर वो डॉक्यूमेंटेशन में गया, देन मेरे एट द एंड ऑफ द अक्टूबर मैंने अमेजोन में अप्लाई कर दिया और मेरी जॉब स्टार्ट होगी 2nd of November से। तो मेरा वो अमेजोन की जॉब थी फ्रॉम 2nd of November टिल 15th of January, है ना। तो मैं वहाँ पे फुल टाइम नाइट शिफ्ट करता था। तो उस जॉब में मैंने कैसे अप्लाई किया था उसका वीडियो मैंने बना दिया ऑलरेडी, क्योंकि अभी एक पीक टाइम है, अमेजोन हायर कर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो जो लोग नए आए हैं और या तो ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं उनको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो ऊपर मैंने लिंक डाल दी है, लिंक आएगी आई बटन में और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, हाउ टू अप्लाई फॉर अमेजोन जॉब्स। एंड मैंने और एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो जॉब मेरे को कैसे लगी पर्सनली। देखो उसमें पैसे तो है बट उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है वो सब चीज़ों के बारे में मैंने उस पर्सनल एक्सपीरियंस वाले वीडियो में मैंने बताया है, जो जिसकी वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख लेना जो मेरी पहली जॉब थी जर्मनी में आने के बाद। 15 January को अमेजोन की जॉब खत्म हुई, देन मेरी एग्जाम स्टार्ट हो गई। तो एग्जाम्स चली 15th of February तक। तो 15th of February के बाद मैंने अगेन जॉब जो ढूंढना स्टार्ट किया, जो क्योंकि मेरे को डेली हमें डेली एक्सपेंसेस निकालने के लिए वो जॉब चाहिए हमको, तो इसलिए मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया 15 February के बाद। भाई मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरे को 15 February से मैंने स्टार्ट किया था, अप्रैल एंड तक मेरे को कोई जॉब ही नहीं मिली। मेरा वेकेशन था 15 February से लेकर 30th of March तक, ड्यूरिंग दैट वेकेशन मेरे को कोई जॉब ही नहीं मिली। मैं भाई हर एक रेस्टोरेंट में पर्सनली गया हूँ, उन लोगों ने बोला कि भाई अभी जॉब नहीं है, बिगनिंग ऑफ द ईयर है ये, अभी जॉब्स नहीं रहती। हाँ, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे प्रीवियस ईयर से उनके पास तो जॉब थी, बट नए लोगों को लोग हायर नहीं कर रहे थे उस टाइम पीरियड में। तो भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। देन एट द एंड ऑफ अप्रैल मेरे दोस्त ने मेरे को एक रिकमेंडेशन दी एक जॉब के बारे में, उस जॉब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो मेरी दूसरी जॉब थी। वो जॉब क्या है, वो जॉब है ओपिजी, वो एक ऐप है, उसमें वो लोग अलग अलग कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं थ्रू हायरिंग स्टूडेंट्स लाइक अस। तो उस जॉब में हम कुछ अलग अलग डिफरेंट कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो मैं जब काम कर रहा था तब हम उबर ईट्स की एडवर्टाइजमेंट करते थे। तो ये ओपिजी में 2 टाइप के काम है, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेम्पलेट्स एंड दूसरा है स्पाइंग, मतलब नजर रखना है जो लोग बांट रहे पैम्पलेट्स को। तो मैंने दोनों जॉब की है, ये जॉब मैंने की थी 2 महीने तक, तो वो मैंने की मई एंड जून में। ओके, तो मई में मैंने किया डिस्ट्रीब्यूशन का काम। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैं सभी जगह पे जाके जो लोकेशन वो हमको देते थे ऐप में, एक लोकेशन देते थे और उसकी रेडियस होती थी, उस रेडियस में हमें
वो पेम्पलेट्स बांटने थे, वो पेम्पलेट्स 500 देते थे हमको पर डे, और वो शिफ्ट होती थी 3 आवर की। तो पार्ट टाइम जॉब थी मेरी, 18 आवर्स पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट था। तो और अगर आप पूरे महीने में देखोगे तो 72 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट था पूरा मेरा, है ना। तो मेरे को पहले मई में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, तो मेरे को लोकेशन देते थे, मैं वहाँ पे जाता था, सब जो लोगों को मैं बांटता था ये पैम्पलेट्स उबर ईट्स के। तो उबर ईट्स उस टाइम पे नहीं आया था जर्मनी में, तो उन लोगों को प्रमोशन की ज़रूरत थी, तो वो लोग ऐसे हमको हायर करते थे। एंड देन ओपीजी एक मीडियम है, तो उबर ईट्स वाले ओपीजी को कॉन्ट्रैक्ट देते होंगे, और ओपीजी हमको हायर करता है वो काम करवाने के लिए, और उसके लिए हमको पेमेंट मिलती है। तो ये मई में मैंने किया डिस्ट्रीब्यूशन का काम। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक तो आपको आवरली पेमेंट तो मिलता ही है एक आवर के हिसाब से, बट उसमें आपने जितने पेम्पलेट बांटे अगर उस लिंक से या उस कोड से किसी बंदे ने डाउनलोड किया ना उबर ईट्स का ऐप, देन आपको पर रेफरल आपको 1 यूरो का बोनस मिलता है। तो आवरली रेट तो है ही, उसके ऊपर आपको 1 यूरो का बोनस मिलता है। तो एक बेनिफिट था डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और दूसरा था स्पाइंग की जॉब। उसमें मैं गया था दूसरे मंथ में, तो मेरा पहले मंथ में मैंने मई में जॉब की ना, तब मेरे कन्वर्जेंस अच्छे आ रहे थे, मैंने 60-70 यूरो मेरे को बोनस में मिल रहा था अपार्ट फ्रॉम माय बेसिक सैलरी। तो 72 आवर्स की मेरे को सैलरी तो मिलती थी, प्लस उसमें जितने लोग डाउनलोड्स करते थे पर मंथ वो 60-70 यूरो आए थे मेरे को, अभी रफली याद है, तो वो बोनस था मेरा। उसके ऊपर टैक्स नहीं होता, वो आपको एज इट इज मिलता है। तो ये मैंने काम किया मई में। ओके, जून में मैंने काम किया स्पाइंग का, मतलब नज़र रखना जो मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पैम्पलेट बांट रहे, क्योंकि इसमें क्या है कि भाई कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे बैठ जाते थे, मतलब पैम्पलेट लिए वो बैठ जाते थे ऐसे ही वहाँ पे। तो वो लोग क्या करते थे कि कन्वर्जेंस देखते थे कि मेरे देखो 60-70 कन्वर्जेंस आ रहे थे, है ना, पर मंथ। तो वो एवरेज कन्वर्जन का डेटा उनके पास होता था, अगर कोई भी बंदा उससे कम कन्वर्जेंस देता था देन वो लोग निकाल देते थे। उसकी भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत अच्छी स्टोरी है, आप वीडियो को एंड तक देखना। तो वो मैंने काम किया, देन मेरे कन्वर्जेंस अच्छे थे, और एक बंदा स्पाइक कर रहा था हमको ऑलरेडी, तो वो बंदा किसी रीज़न से वो चला गया, उसने जॉब छोड़ दी। तो उनको एक स्पाइंग के लिए भी एक बंदा चाहिए था, तो उन्होंने मेरे को हायर किया, मतलब मेरे को प्रमोट कर दिया स्पाइंग के लिए, तो वो अच्छी जॉब है। ओके, तो उन लोगों ने मुझे प्रमोशन दे दिया स्पाइंग जॉब में। तो दूसरे मंथ मैंने जून में मैंने स्पाइंग की जॉब की। उसमें मैंने क्या किया, तो स्पाइंग में 2 घंटे की 2 शिफ्ट होती थी पर डे, तो उस हिसाब से पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था मेरा। उसमें मेरे को क्या करना है कि वो सेम लोकेशन देते हैं मेरे को, वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा ये पैम्पलेट्स उबर ईट्स के, कि भाई ये ले लो उबर ईट्स डाउनलोड करो, उबर ईट्स डाउनलोड करो, सबको बोलता है। तो मुझे है ना वो बंदा जो जैसे काम कर रहा है ना, उसका वीडियो लेना है, उसका फोटो लेना है, और मेरे मैनेजर को भेजना है। देन वो सब मॉनिटर करता है ड्यूरिंग द जॉब, जितनी भी शिफ्ट चल रही है उस बंदे की तब तक। तो मुझे 2 घंटे में 3-4 लोगों को स्पाई करना होता है एक शिफ्ट में, मतलब दूसरा टाइम स्टार्ट होगा, देन दूसरे 2 घंटे में और 2-4 लोगों को स्पाई करना है मेरे को। तो इस तरीके से मैं पाइंग की जॉब मैंने की। अभी दोनों की सैलरी मैं बताता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब में 39 यूरो मिल रहे थे 3 घंटे के काम के, ओके, और स्पाइंग के जॉब में मुझे मिल रहे थे 39 यूरो बट 2 घंटे के काम के, समझ रहे हो। तो उस पर आवर का उसका रेट हो गया 20 यूरो, और डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया 13 यूरो के समथिंग, है ना। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन में और एक फायदा है कि जितने भी आप कन्वर्जेंस बोल रहे हैं उसके आपको बोनस मिल रहे हैं। तो जितना अच्छे से आप बांटोगे, जितना अच्छे से आप समझाओगे लोगों को डाउनलोड करने के लिए, उतना फायदा है आपके लिए। तो बट स्पाइंग में वो चीज़ नहीं है, स्पाइंग में आपको बेसिक रेट मिलता है, इसलिए उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा है। तो बंदा जो स्पाइक कर रहा है वो बोनस नहीं मिलता उसको, क्योंकि वो बांट नहीं रहा है ना, तो इसलिए उन लोगों ने बेसिक रेट ज़्यादा रखा था। उसमें 1 घंटे का 20 यूरो मिल रहा था, तो 2 घंटे की शिफ्ट है तो 40 यूरो उसमें मिलता था, उसमें 39 यूरो मिल रहे थे 3 घंटे के। तो इस हिसाब से मतलब सैलरी इसमें ज़्यादा थी बट इसमें बोनस था, तो ये डिफरेंस है मेन। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एक बुरी बात जो मेरे को फील हुई थी उस टाइम पे कि भाई आपको लोग रिजेक्ट करते हैं ना, तो वो थोड़ा लगता है, मतलब आप इग्नोर करेंगे, आप बांट रहे हो तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। बट उस टाइम पे मैं भाई आप सोचो कि जनवरी 15 से लेके अप्रैल एंड तक मेरे पास कोई जॉब ही नहीं थी, मतलब 3 महीने ऐसे चले गए। मतलब फ्रस्ट्रेट होते हो आप, क्योंकि आपके दोस्त लोग काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, है ना। तो और दूसरी चीज़ ये थी, मेरे को लग रही थी कि भाई वेकेशन में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा टेंशन मेरे को उस बात का था। तो इस चीज़ में मैंने ये जॉब ले ली। तो मैं तो अच्छे से कर रहा था ये जॉब, तो मेरे कन्वर्जेंस भी आ रहे थे, तो मेरे को अच्छा लग रहा था।
दूसरी अभी दूसरी चीज क्या हुई जो आपको इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है जब भी आप कोई भी कंपनी में जॉब करते हो, तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान से सुनना ये चीज़ को। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त काम कर रहा था, है ना, तो उसने ज्वाइन किया मेरे से लेट, और मैंने जो 1st of May से ज्वाइन किया, उसने 15th of May से ज्वाइन किया, तो उसने 10 शिफ्ट्स की, बट उसके कन्वर्जेंस नहीं आ रहे थे। तो मैनेजर देख रहा था सब कि ये बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, मतलब वो दे रहा होगा नो डाउट, बट उससे कोई डाउनलोड नहीं कर रहा है, मतलब समझ रहे हो आप। तो 10 शिफ्ट की उसने 30 आवर की, तो मई खत्म हो गया, और बिफोर दी मतलब जून के स्टार्टिंग में ही, मई के लास्ट वीक में ही उन्होंने ऐसा बोल दिया उस बंदे मेरे दोस्त को कि भाई आपको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे और आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, और उसको नोटिस पीरियड दिया एट द एंड ऑफ जून तक। तो प्रोबेशन था पूरा मई तक, मई 15 से लेकर 15 दिन का प्रोबेशन पीरियड था उसका, तो 15 दिन 15th of May से 30th of May तक उसका प्रोबेशन था। प्रोबेशन खत्म होने के बाद उन्होंने उसको नोटिस पीरियड दिया कि 30th June तक तेरा नोटिस पीरियड है और तेरे को अभी से काम नहीं करना है, 30th June के बाद तू दूसरी जॉब ढूंढ सकता है। तो उस बंदे ने और मैनेजर ने उसको ऐसा बोला कि तू रिजाइन कर दे, मैं तेरे को भेज रहा हूँ ये फॉर्म साइन करके, मेरे को रिटर्न भेज, और तेरे को कल से आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 1st June से तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो उसने बंदा उस बंदे ने बोला ओके, बट उसने क्या किया कि रेजिग्नेशन का साइन करके मैनेजर को नहीं भेजा, ओके यहाँ तक हुआ। देन एक दो वीक के बाद तो उसमें एक चीज़ ऐसी थी कि OPG तो एक जिस जो लोग हमको जॉब देते हैं ना, बट OPG वालों ने एक अलग से कंपनी रखी थी जॉब एंड टैलेंट, जो लोग हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे सब पे स्लिप वो सब मैनेज करते थे वो लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो वहाँ से एक बंदे ने मेरे दोस्त को कॉल किया कि आपने ये जॉब छोड़ दी है ना, आपने रिजाइन कर दिया ना इस जॉब से। तो मेरे दोस्त ने बोला नहीं मैंने तो रिजाइन नहीं किया, मेरे को तो उन लोगों ने बोला रिजाइन कर दो, मेरी चॉइस नहीं थी रिजाइन करना। तो उन लोगों को बाद में जॉब इंटरनेट वालों को बाद में पता चला कि इसको निकाला गया है, इसको निकलना नहीं था, समझ रहे हो। देन जॉब इंटरनेट वालों ने उस बंदे को बोला कि इस केस में तेरे को बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बेनिफिट्स क्या थे उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, बट बोल दिया कि ओके तेरे को बेनिफिट मिलेंगे। तो बंदा भी खुश हो गया मेरा दोस्त, उसको पता नहीं था क्या मिलने वाला है उसको। देन उसने सोचा कि चलो ओके, फोन कट हो गया। देन हमारा क्या होता है कि हर मंथ की सैलरी हमको नेक्स्ट मंथ 15th को आती है। तो उसने जो 15 दिन काम किया था मई में, 15th of May से 30th of May तक की सैलरी उसको 15th of June को आ गई। देन जून में वो नोटिस पीरियड पे था, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नोटिस पीरियड में हो तो अगर आप काम पे जाओगे कि नहीं जाओगे आपको पेमेंट मिलेगा ही। तो मैनेजर ने तो उसको मना बोल दिया था कि जून में तेरे को काम पे नहीं आना है, ओके। तो जून की सैलरी आती है हमारी 15th of July को, तो 15th of July को उसको सैलरी आई पूरे 72 आवर्स की। वो काम पे नहीं गया है वो बंदा, फिर भी उसको सैलरी आई। इसका मतलब हमको क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे कि प्रोबेशन पीरियड के बाद अगर आपको एम्प्लॉयर आपको निकालता है तो आपको नोटिस पीरियड देगा, उस नोटिस पीरियड में अगर आप जाओगे कि नहीं जाओगे आपको उसकी सैलरी मिलेगी मिलेगी। तो लकीली मैनेजर ने तो उसको बोल दिया कि तुम मत आ, क्योंकि मैनेजर को ऐसा लगा होगा कि वो बंदे रिजाइन का मैंने फॉर्म भरा है वो साइन करके भेज देगा, बट देन मैनेजर ने भी फॉलो अप नहीं लिया उससे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है कि अगर आप साइन कर दोगे ना रेजिग्नेशन, देन आप जिस दिन साइन कर रहे हो उस दिन से ही आप का नोटिस पीरियड खत्म होता है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बट अभी देखो इस टाइप की जॉब में क्या है कि आपका परफॉर्मेंस बेसिस पे, तो अभी एक बंदा एक स्टूडेंट क्या ही कर लेगा, मतलब घर पे तो जाके नहीं बोलेगा कि भाई तू डाउनलोड कर ही कर, अभी डाउनलोड कर ही कर, समझ रहे हो आप। वो आप अपना एफर्ट देते हो, आप अपने 3 घंटे में आप समझाते हो जितना समझा पा रहे हो लोगों को, तो वो रीज़न नहीं बन सकता आपको जॉब से निकालने का, समझ रहे हो। तो इस टाइप का अगर जॉब है और आपको निकाल रहे हैं देन आपको खुद से रिजाइन नहीं करना है। जो भी पार्टनर कंपनी मतलब जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा वो लोग ऑटोमेटिकली देख लेंगे, या तो कॉन्टैक्ट करेंगे जैसे जॉब एंड टैलेंट वालों ने कॉन्टैक्ट किया मेरे दोस्त को कि तूने जॉब छोड़ दी है क्या है क्यों छोड़ी वो सब पूछते हैं वो लोग। बट उसने तो बोला कि भाई मैंने जॉब नहीं छोड़ी है, मेरे को तो उन लोगों ने उबर इट्स वालों ने बोला कि आप रिजाइन कर दो। तो ये इन्फॉर्मेशन से आपको क्या सीखने को मिलता है कि आपको रिजाइन नहीं करना है, और अगर आप नोटिस पीरियड में हो इफ आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो आपको उसकी सैलरी मिलेगी, ये रूल है। तो उस टाइम पे मेरे को ये जानने को मिला, तो सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आप ये जॉब कर रहे हो, ओके। तो ये OPG की जॉब समर में भी होती है विंटर में भी होती है। समर में इसलिए होती है कि बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, तो आपको मेन जो मेन रेलवे स्टेशन होगा जो एक पॉइंट्स होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पे ये लोग लोगों को रखेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 2 महीने के बाद मेरी जॉब भी चली गई, तो जून 15 को उन लोगों ने बोल दिया मेरे को कि 30 जून से हम ऑपरेशंस नहीं रन करेंगे रेजिडेंट में, क्योंकि कन्वर्जेंस नहीं मिल रही ऐसे कंपेयर टू दूसरे सिटीज़ में बर्लिन हैम्बर्ग में
वहाँ पे लोग डाउनलोड कर रहे थे, बट यहाँ पे लोग डाउनलोड नहीं कर रहे थे। उन लोगों ने बोला कि अभी हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप दूसरी एम्प्लॉयमेंट ढूंढना स्टार्ट कर देना जून के बाद से। तो मैं ढूंढने लगा था, तो इसके बाद दूसरी मैंने जॉब की जुलाई से, तो वो आएगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, जो दूसरी जॉब तीसरी जॉब होगी मेरी। टेक्निकली ये दूसरी जॉब थी और पहली जॉब थी मेरी अमेजोन की। तो उस जॉब में क्या किया था मैंने, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, एप्लीकेशन प्रोसेस, उस जॉब में हम बात करेंगे। तो वो सब डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी, देखो ये चीज़ नहीं थी जो मेरे को जानने को मिली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जॉब स्टार्ट करने से पहले आपको जाननी होती है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ों के बारे में डाउट है रिगार्डिंग जॉब्स, रिगार्डिंग स्टडिंग इन जर्मनी, तो आप जल्दी से जाके अपॉइंटमेंट बुक कर लो। और प्लीज़ खास करके वो डिस्क्रिप्शन पढ़ना कि वो सब आपको आपका स्लॉट कन्फर्म करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स करने, वो मैंने डिस्क्राइब किए उसमें, तो आप वो पढ़ के सब फॉलो करके आप बुक करना स्लॉट, तो उस हिसाब से मैं कन्फर्मेशन दूंगा आपको आप मेल पे। तो बस आज के वीडियो में यही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जर्मनी में आने का सोचिए, जर्मनी आके पढ़ाई करने का सोचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर दो। तो कुछ ऐसी नहीं जाएंगे सर, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।